हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, शिक्षण पेशे के लिए अनिवार्य अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पहले केंद्र सरकार ने इसे आजीवन लाइफ लॉन्ग दोस्तों मान्यता दे दिया, यानी जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नेशनल लेवल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता था वो लाइफ लॉन्ग दोस्तों उसकी वैलिडिटी रहती थी, वैसे ही हर वर्ष ये शिक्षण पेशे के लिए जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, चाहे BEd हो, BTC, JBT, DLED के अलावा BLED, ये सारे कोर्सेस इसलिए अभ्यर्थी करते हैं, यूथ इसको ऑप्ट करते हैं कि वो शिक्षण पेशे में दोस्तों जाएं। अब ये हर वर्ष राज्यवार दोस्तों TET का एग्ज़ाम यानी अध्यापक पात्रता परीक्षाएं होती थी, जिसमें लाखों कैंडिडेट दोस्तों पार्टिसिपेट करते थे। एक बार अगर पात्रता की जांच हो गई, यानी कोई भी व्यक्ति है जिसके व्यक्तित्व में शिक्षण पेशे के प्रति अभिरुचि अभिक्षमता का अगर परीक्षण कर लिया गया तो दोस्तों उसे लाइफ लॉन्ग कर देना था। लेकिन इस बीच जो वैश्विक महामारी का कहर रहा और क्राउड कल्चर को ख़त्म करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी दोस्तों ये डिसीज़न रहा ये कि जो सेंट्रल लेवल पे TET है, यानी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, पहले लाइफ लॉन्ग वैलिड हुआ और अब राज्य सरकारों ने, ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों, यहाँ पे जो न्यूज़ है वो UP TET दोस्तों लाइफ लॉन्ग वैलिड हो गया है। तो आप देख सकते हैं RV सिंह जी हैं, विशेष सचिव हैं आप उत्तर प्रदेश शासन में, सेवा में निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को पत्र भेजा है। बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 से ये पत्र निर्गत हुआ है, लखनऊ, दिनांक 18 जून 2021 को, और विषय है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में। यहाँ पे दोस्तों जो बात लिखी गई है, NCTE का जो पत्र है उसका हवाला दिया गया है, चूँकि ये जो पत्र संख्या NCTE रजिस्टर्ड 011/78/2020-US, ये रेगुलेशन और उसके बाद दोस्तों HQ 99954 4x 92 दिनांक 9 जून 2021, ये NCTE का जो पत्र था उसके द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ये जो पत्र NCTE ने दोस्तों जारी किया और वो पत्र इस संदर्भ में था कि सेंट्रल जो TET है उसे लाइफ लॉन्ग वैलिड किया गया और राज्यों को भी दोस्तों निर्देश भी दिया गया कि आप अपने स्टेट का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसे लाइफ लॉन्ग वैलिड कर सकते हो। उस निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन किए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है। NCTE के पत्र 9 जून 2021 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत पूर्वव्यापी प्रभाव से 11 फरवरी 2011 के उपरांत, दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि 11 फरवरी 2011 ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता रिवैलिडेट करते हुए 5 साल के स्थान पर आजीवन मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है, अतएव कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। अब ये जो पत्र है ये शासन के सक्षम अधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा भी जा चुका है, प्रेषित भी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को, निजी सचिव माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को, निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज को और अंत में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को। अब दोस्तों TET आप मान के चलो अध्यापक पात्रता परीक्षा, वो चाहे कक्षा 1 से 5 तक के लिए हो,
चाहे कक्षा 6 से 8 के लिए हो, दोनों जो परीक्षाएं हैं वो लाइफ लॉन्ग वैलिड हो गई। बस बात यहाँ पे केवल यही रखना है कि 11 फरवरी 2011 के बाद जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है और उसमें जो पास आउट कैंडिडेट्स हैं, जो भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ये नियम दोस्तों लागू हो रहा है। अब बड़ी खबर दोस्तों इसी के साथ अब ये है कि अब जूनियर टीटी पास करने वालों को बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती का दोस्तों इंतजार है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो अपर प्राइमरी स्कूल है यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे सीटें दोस्तों बहुत खाली हैं। अभी तक टीटी जो होती रही है वो खास तौर पे अगर विषयों पर ध्यान हम केंद्रित करें, फोकस करें, तो दोस्तों टीटी की जो परीक्षा है वो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स और साइंस और इंग्लिश, अगर भाषा की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू ये हो सकती है। तो अभी तक की जो नियुक्ति हुई है दोस्तों वो केवल और केवल गणित और विज्ञान की हुई है। बाकी जो टीटी कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं, जो कि अपर प्राइमरी स्कूल का टीटी क्वालिफाई करते हैं, जो कि सोशल साइंस है, जो किसी भाषा से संबंधित है, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, चाहे उर्दू भाषा हो, उर्दू भाषा से संबंधित नियुक्तियां पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन ये अध्यापक पात्रता परीक्षा जो लागू हुई उसके बाद भाषा से संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति दोस्तों नहीं हुई है। तो बेसिक शिक्षा विभाग में जो अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों ने टीटी अपना निकाल रखा है, अब वो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में 2017 में नई सरकार के गठन के बाद जूनियर माध्यमिक विद्यालयों में नहीं हुई भर्ती, तो दोस्तों ये बात है। और जूनियर का जो भी पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, जो भी कि अपर प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे इस पात्रता परीक्षा के आधार पे जो लाखों अभ्यर्थी आज भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी नियुक्ति ऐसे विद्यालयों में हो जाए, तो दोस्तों बड़ी खबर है कि उनकी बेताबी, उनकी बेसब्री, उनका इंतज़ार दोस्तों ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ख़त्म तो तभी होगा जब सरकार उनके लिए पहल करके कुछ भर्ती दोस्तों विज्ञापित करेगी। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना, अपने जैसे दोस्तों के बीच में शेयर करना। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।